DFCCIL मैं अभी न्यू कोठान रेलवे स्टेशन पे हूँ, सूरत और बड़ौदा के बीच में। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में मेन रेलवे पैसेंजर लाइन है जो पुरानी थी, मेरे राइट हैंड साइड में DFCCIL की लाइन है। इसमें ये डाउन लाइन यानी कि बम्बई से बड़ौदा की और मकरपुरा की जाने वाली डाउन लाइन, वो उसके ऊपर ये पूरी की पूरी गुड्स ट्रेन पसार हुई। मतलब ये होता है कि यहाँ से एक अगर किसी ट्रेन को अगर बम्बई से आना हो, बेस्तान से अगर आना हो, तो बेस्तान के बाद बड़ौदा जाने के लिए यानी मकरपुरा जाने के लिए मेन रेलवे लाइन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्टली DFCCIL की लाइन से डाउन लाइन में जा सकेंगे। कुछ समय के बाद अपलाइन यानी कि मकरपुरा से यानी कि इसके बगल वाली लाइन पूर्व दिशा वाली, वो भी कुछ दिन में चालू हो जाएगी कुछ समय के बाद। ये मुझे सामने ये ब्रिज दिख रहा है, वो ब्रिज अभी अभी DFCCIL ने बनाया है। ये देखिए, ये 72 मीटर और 60 मीटर का ब्रिज है, काफ़ी बड़ा ब्रिज है, वो काफ़ी कंप्लीट है, कुछ समय में ये भी चालू हो जाएगा। न्यू गोठान रेलवे स्टेशन DFCCIL ने बनाया। थैंक यू। सूरत इंडियन रेलवे। मैं अभी सूरत के गोठान के पास हूँ। यहाँ पे राइट हैंड साइड में DFCCIL की लाइन है, ये नई लाइन है, और लेफ्ट हैंड साइड में इंडियन रेलवे की पैसेंजर की लाइन है। तो यहाँ पे सब लोको टेस्टिंग, गुड्स ट्रेन का टेस्टिंग चल रहा है। तो ये देखिए, ये सामान लेके जाके उसका टेस्टिंग कर रहे हैं। ये पूरी गुड्स ट्रेन जा रही है नए DFCCIL लाइन के ऊपर। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो सामने गोठान, न्यू गोठान रेलवे स्टेशन है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में अमरोली सायन रोड है, मेरे राइट हैंड साइड में उमरा करके गांव है वेलनजा के साथ पास, और कामरेज के पास सायन रंगोली चौकड़ी के पास जा सकते हैं यहाँ से। ये देखिए DFCCIL की पूरी लंबी ट्रेन नए रेलवे ट्रैक से जा रही है। मुझे सामने जो दिख रहा है वो ऊपर रेलवे का फ्लाईओवर ब्रिज है, वो काफ़ी कुछ कंप्लीट है। कुछ दिनों के अंदर तकरीबन उत्तरायण के आगे पीछे ये ब्रिज चालू हो जाएगा।